सर ये क्या मामला जो आपने आरोपी पकड़ा है, नकली वर्दी थी उसके साथ और पिस्टल वगैरह, क्या है मामला? ये जो आरोपी पकड़ा हुआ है उसका नाम फैजुल हसन है और ये अपना वालियो के हत्ती में रहता है और उसका मेन यूपी बेस होगा वो, तो यहाँ पर वो अपना कारोबार चलाता है, तो कारोबार के लिए उसका मोबाइल पे निफ्टी करना, ये करना, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो उसने एक घटना की थी वाली पुलिस स्टेशन के हद्दी में, ये रेंज नागर के ऊपर एक टॉप 10 के बाजू में एक मोबाइल वाला है, उसका नाम है मोहन। उसने मोहन से एक मोबाइल लिया था 4-5 और वो मोबाइल के लिए उसने उसको कुछ पैसे दिए है और एक निफ्टी बैंक में क्या बोलते हैं इसका, निफ्टी शेयर मार्केट वाला नहीं, शेयर मार्केट वाला नहीं, ये अपना बैंक निफ्टी वो करते ना एनईएफटी हाँ, तो एनईएफटी किया उसने और चला गया। तो उसके बाद बार बार उसकी दुकान में जाता था इसलिए उसको कोई शक नहीं आएगा, आज पैसे आएंगे, कल आएंगे, मेरे बैंक में पैसे अटक गए, ऐसे बहाने करता था। तो वो बात सामने वाले चौकी के ऊपर रुस्तम राठौड़ा बीट हवलदार है अपने, तो उनको उसने बताया, तो रुस्तम ने फिर बोला उसको कंप्लेंट देने के लिए बोला, लेकिन वो बोला साहब मेरे पैसे रुक जाएंगे, कंप्लेंट क्या करूँ। तो उसने एक एप्लीकेशन दिया उसके बारे में, तो जैसा इसको आरोपी को मालूम चला कि ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो वो सीधा नालापुरा पुलिस स्टेशन, नाला सुपरा पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ पर उसने मिसिंग मोबाइल मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई और बोले मैंने मिसिंग की कंप्लेंट दे दी है, मोबाइल मिल ही जाएगा तो कुछ उसको तेरे को वापस दे दूँगा और कुछ पैसे भी दे दूँगा, ऐसे बहाने उसके साथ किया उसने। तो तब से पुलिसों के रडार पर था वो, यहाँ पर उसका आना जाना था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका जब मोबाइल का लोकेशन निकालना चालू हुआ तो वो मोबाइल में उसी के नाम का सिम कार्ड नज़र आया, तो तब से सर्च चालू था उसको। और ये कुछ पहले एक बार लोकेशन उसका यूपी आया था, उसके बाद इधर जब आया हो तो अपने डीबी के जो लोग हैं सचिन जोरकर, मनोज मोरे और इनके टीम को रात के टाइम पे वो घूमता हुआ मिल गया। तो घूमता हुआ मिल गया तो उन्होंने रोके पूछे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, तो उसके जो पास जो बाइक थी, बाइक को एक जो हथकड़ी होती है उसकी चाबी थी, तो हथकड़ी की चाबी तेरे पास कैसे आई ये पूछा, तो वो सही जवाब नहीं दे पाया। तो फिर उसका उसी टाइम पे बैग चेक किए तो बैग में गन भी है, उसका आईडी भी है, पुलिस का पाउच भी है, ऐसे कुछ चीज़ें उसके बैग में मिली, वहाँ से उसको शक हुआ। तो शक फिर वो मोबाइल वाले को बुला के पूछे तेरे पैसे दिया क्या, उसने वो ये भी बोला क्या मैंने पैसे दे दिया है। तो जब हकीकत खुल के सामने आई तो ये तोतिया पुलिस का काम करता है ये समझ में आया। फिर उसका मोबाइल सर्च किया तो मोबाइल में भी यूनिफॉर्म के फ़ोटो थे, बोले मैं नाटक करता हूँ, ये करता हूँ, उसके लिए फ़ोटो है, लेकिन उसका सब झूठ है, पकड़ा गया और यहाँ पुलिस स्टेशन के ऊपर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और मैं सभी बोले तो आसपास के नागरिक, मुंबई, नवी मुंबई ये एरिया में उसका घूमना था, तो वहाँ पर किसी के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ, किसी के साथ इसने फ्रॉड किया है, तो वो वाली पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें, ये आपके ज़रिए से मैं सब लोगों को अपील करता हूँ। सर ये इसके पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ है क्या? इसके पहले इसके ऊपर मामूली सा एक 420 का मामला था जिसमें उसको बेल मिला हुआ है, उसके डिटेल्स फिलहाल मेरे पास नहीं है।